एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो आज मैं सोच रही हूँ कि मैं एडिट कर दूँ शादी वाला व्लॉग, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए हैं एंगेजमेंट वाला व्लॉग पोस्ट किए। तो अब मैं सोच रही हूँ कि शादी वाला भी आज एडिट कर देती हूँ। अच्छा, तो जो जो मेरे चैनल पर नए आए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन में क्लिक कर दो, ताकि जब भी मैं कोई ऐसी अच्छी सी वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको शो हो जाए। और जो पहले से मैं जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। मुझे अच्छा लगता है आप वीडियो लाइक करते हो। तो चलो जी, अब आज हम शादी वाला व्लॉग स्टार्ट करते हैं। अच्छा, तो अभी ना अभी मैं उठी हूँ, मतलब काफ़ी देर हो गई मुझे उठे हुए। तो मैंने ना कल का हेयर स्टाइल बनाया था, स्प्रेज वगैरह लगाई थी, तो ना ऐसे ये फिर मैंने प्लेट्स बना दी ऐसे सिंपल सी, और ऐसी रहन दिया क्योंकि अभी तेल लगाना है ना, सब ने मेरे को बुटना लगाना है। तो बस फिर सहेली मेरे बाल खोलेगी, तो मैंने इसलिए गुत ट्रेडिशनल पहले पुराने ज़माने में था ना, गुत करी होती थी तो फिर उसको सहेली बोलती थी। आजकल लड़कियों के बाल ही नहीं होते, पहले जिनके होते हैं उन्होंने गुत्ती नहीं की होती है, तो पर मैंने तो मतलब गुत कर दी। फिर मेरी फ्रेंड खोलेगी गुत। आज सुबह सुबह से मैंने कुछ भी नहीं खाया। कहते हैं कि जिस दिन शांत होती है ना, मतलब शांत में जब नहाते हैं, नहाने से पहले कुछ नहीं खाते। मैंने कुछ भी नहीं खाया है, ये मैंने कुछ भी नहीं खाया है, और ये बस चाय पी रही हूँ क्योंकि चाय सुच्ची होती है। तो मैंने बोला चाय तो दे दो कम से कम कंजूसों, मुझे अगर कुछ खाने को नहीं दे रहे हो। कह रहे कि 12 बजे के बाद, नहाने के बाद तुम कुछ भी खा लो, प्रॉब्लम नहीं है, बट अभी नहीं खाना है। अंकल कब स्टार्ट होगा क्या? ये शांत आ जाऊँ मैं? मम्मा को भेजो, मम्मा को भेजो। मम्मी इन्हें टाइम लाने रहा, मैं तैयार भी देना। मम्मी आओ, बरात 7 बजे आखा असें, जिन्ने मर्जी बजे हो बंद कर दो। रुको, लगा दो। मां को बुला रहे पंडित जी। आई आई शक्ति आ गई, बैग दो पापी। इधर ही सामने कन्ने बाकी और भी लाते पर कौन बापी हो ना ये देखो, ये वाला दुपट्टा मैंने ले ली, मैंने ये वाला दुपट्टा ले लिया, बड़ी अच्छी लग रही है। Yeah.
हमारी दुल्हन नीचे सारे इसका वेट करते हुए और ये सुबह सुबह अभी मेरा लोंग उतार दिया है, अब मुझे इसकी जगह बालू पहनाएंगे। और हमारे यहाँ ऐसे ही होता है, मैं शादी में बालू पहनाते हैं, तो अभी मेरे को बालू पहनाएंगे। अभी मेरे हाथ ऐसे हैं, मेरे को चूड़ा भी पहनाएंगे। शिवानी तो दिख नहीं रही है। हाँ ऐसे उठाते हैं। मैंने इनके ऊपर बाजू रखी है, देखो बोर्ड ली हुई है मैंने। उसका अलग चल रहा है, उसका अलग चल रहा है। अच्छा सही ही वाली बनानी है, ये वाली बनाई है। बहुत अच्छी है, बड़ी है। आ, 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 आ,
हो गई और जो बालू बनाया था मुझे और जो ज्वेलरी बनाई थी मैंने उतार दी है। इसको नहीं उतार सकते, 1 मंथ तक नहीं उतारना है, तो बस ये मैंने पहने रखे हैं। मैं सोचा थोड़ी देर रेस्ट कर लेती हूँ, फिर टाइम नहीं मिलेगा, ऐसा मैंने कुछ देर रेस्ट कर लिया, सोचो चाय ऑर्डर करती हूँ और फिर रेडी होना स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि बिना चाय के मेरा कुछ नहीं होने वाला। तो कुछ चाय वगैरह ऑर्डर कर लेती हूँ और फिर रेडी होना स्टार्ट करती हूँ। बस आते ही मैंने ना पहले बाल ने बना लिए यहाँ पे आके, क्योंकि मेरे बाल ना ऐसे ऐसे बिखरे पड़े थे। मतलब हमारे यहाँ क्या होता है, जैसे नहा के लड़की आती है ना, उसके पास उसको कंघी करने का टाइम नहीं देते, सीधे हवन में बिठा देते हैं। बस वही सब चल रही थी रस्में, इसी में होगा, इसी में होगा। चाय आ गई मेरी, चाय पी लेती हूँ। यहाँ मैं मेकअप थोड़ा स्टार्ट कर दिया था मैंने करना, क्योंकि उन्होंने चाय लाने में ना बहुत ज़्यादा टाइम लगा लिया, तो फिर मैं अभी यहाँ जगह बनाती हूँ, थोड़ा बैठ सकती हूँ, पहले रिलैक्स होकर चाय पी लेती हूँ। और आई मेकअप मैंने कर लिया अभी, मैं जस्ट आई मेकअप मेरा हुआ है, तो मैं सोचा पहले चाय पी लेते हैं, थोड़ा सा चाय आ गई बेसिकली, फिर मैं बाकी कुछ करती हूँ। तो मुझे पहले फिर भी थोड़ा थोड़ा डर लग रहा था कि क्या पता मैं तैयार हो पाऊँ नहीं हो पाऊँ, तो बस अभी मैंने ना अपने हेयर स्टाइल भी कर दिया है और ये एक्सेसरीज भी थोड़ी लगा दी हैं, लिपस्टिक रह गई है, इयररिंग्स रह गए हैं, थोड़ा दुपट्टा सेट करना रह गया। नहीं अब मुझे लग रहा है नहीं भाई मैं हो जाऊँगी तैयार, और बस ब्लश करूँगी थोड़ा सा यहाँ 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 यहाँ, बस फिर मैं आपको अपनी फाइनल लुक दिखाऊँगी। मैं अभी तक इतनी तैयार हो गई हूँ, बस मुझे लहंगा पहनना है और हेयर स्टाइल करना है, बस नहीं हेयर स्टाइल नहीं करना है, ये दुपट्टा लेना है बस। कहाँ चले गए, चल पड़े तो फिर एक बार जब हॉल में एंट्री हो गई, उसके बाद मुझे खुद ही नहीं पता चला मेरा फ़ोन मैंने किसको दिया, दिया था मैंने किसी को शूट करने के लिए, लेकिन अब सबको पता नहीं होता ना, मैं मतलब वीडियो जो यूट्यूब पर डालते हैं वो लैंडस्केप मोड में रिकॉर्ड होती है, और जो नॉर्मल इंस्टाग्राम वगैरह की वीडियो होती है वो ऐसे वर्टिकली फ़ोन को प्लेस करते हैं, तो वैसे वो रिकॉर्ड होती है। तो बस जिसको मैंने फ़ोन दिया था उन्होंने सारी वीडियोज़ जो हैं वो वर्टिकली मतलब रिकॉर्ड करी हैं, तो बस अब वो मैं इस वीडियो में अपलोड नहीं कर सकती। हाँ लेकिन इंस्टाग्राम पे छोटी छोटी जो शॉर्ट्स उन्होंने कैप्चर करी है वो मैं ज़रूर डालूंगी। और बस इसी के साथ ख़त्म करते हैं आज का व्लॉग, फिर मिलेंगे ऐसे इंटरेस्टिंग से व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, आई लव यू ऑल गाइज, बाय बाय।